ये गाइस कितनी भीड़ रखी है आपको अंदाजा लग ही रहा होगा। जो अभी नंबर में लगे हैं उनका शाम तक नंबर आएगा। बाकी बोले की इच्छा है, वैसे अंदर जल्दी जल्दी आगे भेज रहे हैं, पर जो पुलिस प्रशासन है इधर वो वैसे ही अंदर दो 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 सौ रुपये में भेजे जा रहा। तुम लोगों को कोई लाइन की दिक्कत नहीं है, थोड़ा जोश दिखा के बीच लाइन में भी घुस जाएंगे तो सब चलेगा। इधर बाबा का धाम है, जय बाबा की। हाँ, हम चार घंटे लाइन में लगे तब दर्शन हुए, पर जो बोले के असली भगत है वो आ रहे हैं बीच लाइन में से ही, करेक्ट टू करेक्ट दर्शन हो रहे हैं उनके। और अंदर पंडितों को भी थोड़ा दान दक्षिणा ज्यादा दोगे तो शिवलिंग के पास भी ले जाएंगे आपको, वरना अन्यथा बाहर से ही दिखा के आपको आगे कर दिया जाएगा। तो थोड़े नोट शोट ज्यादा लाएं इधर अगर अच्छे दर्शन करने हैं तो, वरना पंडित को सेट करें सबसे बढ़िया। कोई पंडित पकड़िए, 1000 रुपये उसको दीजिए, वो अपने आप सारा अंदर सेटलमेंट कर देगा आपकी। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लाइन भले ही 4 किलोमीटर की लगी हुई है, इधर पहला नंबर भी लगा सकते हैं। पर आप क्यों गोभी जी, क्या कहते हैं इस पे आप, क्या कहते हैं? और कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, आप पब्लिक देख ही रहे हैं इधर। और मात्र आपको दिखाऊंगा मैं 2 शौचालय इधर, 2, एक लेडीज एक जेंट्स, ओनली 2 अभी दिखाऊंगा मैं आपको। जय बोलेगी। अंदरूने मुल्क से लोग आए जा रहे हैं इधर। पर व्यवस्था के नाम पे इधर कुछ नहीं है, तो अपने रिस्क पे आइए सब बाबा का नाम लेके। इतना ही क्या कहते हैं उसे, सहयोग मिल पाएगा आपको सरकार से, बस रिस्क अपना ले जाइए। बाकी हमारा टेंट में दिख रहा है सामान, अभी चेक करेंगे अंदर है या नहीं है, और मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं आपको बता रहा था वो उधर सामने 2 टॉयलेट है, बस वो दिखाऊंगा वो सामने। ओनली 2 शौचालय बनाए गए, और ये हमारा टेंट है, टेंट लगा हुआ है बाबा के भरोसे, सामान वमान। ये हमने रात में टेंट लगाया था गाइस 11 बजे आके, इसको बाबा ने ध्यान रखा, इसका जो भी रखा है। सामान हमारा अंदर है, 4 बजे छोड़ के गए थे गाइस, मैं और कोबी सोए थे इधर, सुबह 4 बजे लाइन में लग गए थे।